मैं ग्राम पंचायत प्रधान टंबल। जैसा कि आप देख रहे हैं रात कितनी ज़्यादा हो चुकी है। आज मैं, जैसा कि मैंने ग्राम सभा में भी ये बात रखी थी कि जो भी बंदा जो है अभी शराब का मुद्दा पीछे भी चला हुआ था, तो मैं आज जो है मौके पर जो है छापा मारने इधर आई। तो मैंने मौके पर जो है एक दुकान में शराब पीते लोगों को पाया गया और दुकानदार वहाँ पर जो है खड़ा होकर उनको शराब पिला रहा था। फिर मैंने बाकी दुकानों में भी छापा मारा तो एक दुकानदार द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, जो बोलता है कि ऐसे कुत्ते बिल्ले जो हैं वो आकर भौंकते रहते हैं, हमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दुकानें जो हैं मंदिर के करीबन 50 या फिर 100 मीटर के दायरे में हैं। करीबन ये जो दुकान है जहाँ पर ये पीकर बैठ रहे हैं ये 100 मीटर के दायरे में है। इसके बावजूद भी जो है ये लोग यहाँ पर रेगुलर शराब लोगों को पिलाते हैं। मेरे पास जो है इसका कोई पहले एक प्रूफ नहीं था। मैं बहुत दिनों से इस मौके की तलाश में थी। जब मैंने आज इनको मौके पर पकड़ा तो मैंने मौके पर जो है पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया है, लेकिन वो लोग जो है दुकानों में ताला लगा कर भाग गए हैं। पर मैंने जो है उनके मौके पर फ़ोटो ले लिए हैं। मंदिर इस टाइम मौके पर जो है मैं 7 बजे की यहाँ पर आई हुई हूँ और आप इसमें अभी देख रहे हैं एक अकेली मैं रात को यहाँ पर खड़ी थी। पूरी मंदिर कमेटी के सदस्य हैं जैसे कि मानचंद, अजय कुमार और बाकी बंटी, बलदेव सिंह, ये सारे इधर मौके पर मौजूद थे। मैं यहाँ पर मौके पर बोलती रही कि मंदिर कमेटी क्या कर रही है, इन्होंने इनको हिदायत नहीं दिया है कि आप 50 मीटर के दायरे में नहीं बैठ सकते हैं, किंतु उसके बावजूद भी सारे मंदिर कमेटी के लोग जो हैं वो यहाँ से भाग गए। एक बलदेव सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं पर उन्होंने भी जो है उस समय एक भी बात नहीं बोली कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने मौके पर विधायक जी को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी मेरे साथ एक बहुत ही अभद्र व्यवहार से बात की, उन्होंने भी मेरे साथ एक पूर्णतया कोऑपरेट नहीं किया। उनकी जो है मैं कल आपको एक पूरी मीडिया के सामने में बात रखूंगी कि उन्होंने किस तरीके से मेरे साथ बात की है। और किसी भी तरीके से जब पदाधिकारियों को मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे मौके पर बोलते हैं कि आपके बाप भी पीता है, आपका बेटा भी पीता है, या फिर हम भी पीते हैं, हमारा बेटा भी पीता है, तो आप क्यों मौके पर इनको पकड़ रहे हैं, आप पीने दो इनको। यदि किसी ने मेरा साथ दिया भी है तो फिर मैं, अगर वो ये सोचते हैं कि इस तरीके का साथ देकर वो मेरे से गलत की उम्मीद रखेंगे तो मैं किसी तरीके से गलत का सहयोग नहीं करूँगी। मेरी पंचायत के वही सदस्य जो मुझे ये बोलते थे कि प्रधान जी जब आपको जरूरत हो गया मौके पर आपके साथ खड़े रहेंगे, मैं रात को इधर अकेली खड़ी रही, वो सारे मेरे को पीठ दिखाकर भाग गए। मौके पर इधर घर मौजूद है, पदाधिकारी सारे इधर से गुजरे, उन्होंने एक बार भी जो है मेरे से नहीं पूछा कि प्रधान जी आप क्यों बात कर रहे हैं या फिर आप किस विषय में बात कर रहे हैं। सारे जो हैं एक अकेली लड़की को इधर छोड़ के चले गए। मैंने अपने एक प्रधान होने का जो है एक फ़र्ज़ निभाया। मैंने पहले भी ये बात रखी थी कि जो भी व्यक्ति शराब पीता पकड़ा गया मैं उसको उसी समय बीपीएल से बाहर करूंगी, और जो व्यक्ति पिलाता है अपनी दुकान पे मैं उसको जो है सारी ज़िंदगी के लिए बीपीएल मुक्त कर दूंगी। किंतु उसके बावजूद भी जो है यही लोग मुझे बोलते थे कि कई प्रधान आए और कई गए, हम इसको भी देख लेंगे। तो आज मैंने इनको मौके पर पकड़ा, मैंने पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है। पुलिस जो यहाँ पर आई और उन्होंने जो है एक लिखा जो भी मैंने उनसे लिखवाई, और इन्होंने जो है उस मॉर्निंग में उनका मेडिकल और जिस दुकान में वो बैठ कर पीते हैं उसको जो है बोलते हैं मॉर्निंग सुबह बुलाएंगे। और मंदिर आप देख सकते हैं कि इस दुकान में आपको दिखाना चाहूँगी, दुकान से वो मंदिर जो है वो कितने दायरे पर है, और ये लोग मंदिर में मास्क तो बेचते हैं। चलो हम इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि मंदिर कमेटी जो इतने सालों से मंदिर कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर, यदि उनको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगा मैंने मंदिर कमेटी में आज तक जो है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु आज वो मंदिर के 50 मीटर के दायरे में जो है दुकान में बैठ के अगर इस तरीके से शराब पिला रहे हैं तो मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ। और मैं एक बहुत ही शर्म से बोलती हूँ, मैं उस पंचायत की प्रधान हूँ जिस पंचायत के लोग जो हैं इस तरीके से गलत का सहयोग करते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, किंतु जब मेरे को जरूरत होती है तो वो पीठ दिखाकर भागते हैं। और यदि मैं मौके पर छापा मारने आती हूँ तो वही लोग जो है इनको पहले फ़ोन कर देते हैं कि आज तो प्रधान चेक करने आ रही है और आप लोग इधर से भाग जाएं। मैं एक एक का नाम लेकर भी बता सकती हूँ पर मैं जो है इसमें बताना नहीं चाहूँगी। मैं अपनी बात जो है कल मीडिया वालों को बुला कर रखना चाहूँगी, और मैंने पदाधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से बात की जो एक बहुत ही अशोभनीय है। मैं आपके बीच आकर ये बताना चाहूँगी कि एक रात में लोगों ने मेरे को पहले भी एक सुझाव दिए थे कि प्रधान जी आप रात को अकेले ना जाएं, किंतु मेरे को मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि ये जो शराब की गंदगी है ये दिन प्रतिदिन जो है हमारी पंचायत में बढ़ती जा रही है और मेरी पब्लिक जो है इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, औरतें, तो मैं उनके लिए एक स्टैंड ले रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी प्रकार से गलत हूँ, और यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग जो है मुझे बोल सकते हैं और मेरे पर जो है कार्यवाही की जा सकती है।
पर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, ये निकम्मी सरकार है, ये निकम्मी जो है, जो यदि हम उनको बोलते हैं तो ये हमारा सहयोग करने के बजाय हमें जो है नीचा दिखाते हैं, और हमारे जो है हमारा जो सहयोग है उसको तोड़ते हैं, और हमेशा हमारा जो एक वो हम जो उनसे एक सहयोग की उम्मीद रखते हैं उसको जो हमेशा वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, इसका जवाब हम इन्हें आने वाले चुनावों में देंगे, ये मैं आपके माध्यम से अभी इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगी। जिस तरीके से आज मेरे साथ बात की गई, यदि वो एक विधायक हैं तो मैं भी एक पंचायत प्रधान हूँ, वो मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अधिकारी हैं और हम उनके नीचे काम करते हैं और हम उनके सामने हर तरीके से अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जो दुकान जो है वो एक, देखो ये आप मंदिर है, ये मंदिर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी मंदिर के कितने मीटर के दायरे में जो है वो एक दुकान है। आप लोग बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। एक रात में अगर अकेली लड़की मैं आ सकती हूँ तो मुझे लगता है कि ये देखो, मुझे लगता नहीं कि ये 50 मीटर का भी दायरा होगा। ये देखिए 5 मीटर का दायरा है, और मुझे विधायक साहब बोलते हैं कि पूरे, मुझे लगता है बोलते हैं आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आप ही समझदार हैं और बाकी सभी जो हैं नलायक हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से उनकी वर्डिंग है और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं तो मुझे लगता है हाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं ही एक समझदार हूँ जो एक स्टैंड ले सकती हूँ, बाकी सब निकम्मे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ना तो साथ दे सकते हैं ना तो सच बोल सकते हैं। मुझे लगता है मैं इस नशे के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाती थी और मैं आगे भी उठाऊँगी। आप देख सकते हैं एक मंदिर के आसपास जो है इस तरीके की गंदगी, और सारे मंदिर, ये जितने भी आप दुकानें देख सकते हैं, ये घर देख रहे हैं कि जितने भी हैं ये सारे मंदिर कमेटी के अंतर्गत आते हैं, जिसके बावजूद भी ये मेरे को पेड़ दिखाकर भागे। मैं इनके सामने मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, किंतु उसके बावजूद भी ये सारे इधर से भागे और किसी ने जो है सहयोग नहीं किया। मुझे बहुत ही शर्म से बोलना पड़ रहा है कि मैं ऐसी पंचायत की प्रधान हूँ और ऐसे हमारे लोग हैं जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। एक कम उम्र में प्रधान बनना ही एक सबसे बड़ी बात नहीं है। मुझे जो लोगों से उम्मीद थी लोग उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे। अगर लोग हमसे उम्मीद रखते हैं तो हम अपने लोगों से और प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। पुलिस प्रशासन ने जो है मौके पर आके हमारा पूरा सहयोग किया, इसके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। पर इसमें इसकी जो मैं एक मुहिम चलाऊँगी और इस पर मैं कड़े एक्शन की उम्मीद रखती हूँ, और जो है इस पर मैं एक और आपके सामने कल बात करूँगी।